press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शोएब चौधरी और भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी के बीच में एक जबरदस्त डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था अपने मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू। तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसराइल और फलस्तीन की जो मामलात हैं, जो जंग है, या रशिया और यूक्रेन की जंग है, पूरी दुनिया इंडिया गवर्नमेंट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रही है, उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान से डिमांड क्यों नहीं की जा रही? मैं मतलब वो डेफिनेटली वो एक इंटरनल मैटर है कि पॉलिटिक्स और पैसे देकर जो भी होता है, आप अगर कहेंगी तो उसके ऊपर बकायदा हम बात कर लेंगे। मैं जरा चाह रहा हूं कि आप थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नजर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ है, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया की, जाहिर बात है अगर मुलाकात हुई है तो नजर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, रशिया के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो वो भी चाह रहे हैं कि इंडिया बीच में आए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें वो भी बकायदा तौर पे खुद बोल चुके हैं कि अगर इंडिया चाहे तो कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, दोनों कंट्रीज की जंग रुकवा सकता है। मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिएगा, मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और दुनिया को भी दिखाना चाहता हूं कि इस टाइम क्या पावर है एक हमारे नेबर कंट्री की, इंडिया की और उनके प्राइम मिनिस्टर की। भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और अभी भारत के पास वीटो की पावर भी आ चुकी है, जिसमें 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने भारत का सपोर्ट किया वीटो पावर के लिए। भारत अभी थर्ड पोजीशन पर पहुंच चुका है, जापान और रशिया को भी पीछे करके। जिस हिसाब से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा भी माना जा सकता है कि भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री के हिसाब से। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी किसी के साथ बैठते हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की बात करते हैं, वो कंट्री उनकी बात जरूर सुनती है, जरूर सुनती है। इसलिए भी एक एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंटरवीन करते हैं तो कहीं ना कहीं शांति का एक मैसेज आ सकता है। ठीक है, पर रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पावर पोजीशन और अपने अपने कंट्री के डिप्लोमेट तरीके से उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन का चल रहा है, जिसमें किसी को भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए, अब आती है दूसरी बात जिसको बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। शोएब, मुझे ऐसा लगता है कि हमास के लीडर का डेथ के बाद कहीं ना कहीं नसरुल्ला हिजबुल्ला को ये बात पता थी कि वो उसका भी यही हाल होगा जो हमास के लीडर का हुआ था। तो इसीलिए आतंकी जो होते हैं वो हमेशा गारों के अंदर छुप करके रहते हैं, गुफाओं के अंदर छुप करके रहते हैं। तो मेरा मानना है कि नसरुल्ला हिजबुल्ला ने भी बहुत बड़ी गलती की, जिस हिसाब से वो कई फुट अंदर गार के अंदर छुप करके बैठा हुआ था और नबील काउक को भी उसने एलिमिनेट किया था, जो 1980 से नसरुल्ला हिजबुल्ला के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा था। तो उसके घर में जब खुद ही 420 का काम कर गया नबील काउक, तो फिर दूसरे को गाली दे करके क्या ही फायदा है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब कहीं ईरान के चीफ की बारी तो नहीं है? और जब भी एक्शन का रिएक्शन मुसलमानों को मिलता है तो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत जो है वो हमास ने किया, उसको हवा फलस्तीन ने दिया और फिर उसको जबरदस्त हवा ईरान ने देने की कोशिश की, जबकि ईरान खुद अभी खड़ा है इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी सफाई देने के लिए और यूएन में अपनी सफाई देने के लिए, क्योंकि ईरान ने जिस हिसाब से मुसलमान बेटियों के संवैधानिक राइट को, फंडामेंटल राइट को और इस्लामिक राइट को
पैरों के नीचे से कुचला है। अभी वो उसका भी जवाब नहीं दे पा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में और यूएन में, और वो साथ किसका दे रहा था? नसरुल्ला हिजबुल्ला का दे रहा था, हमास का दे रहा था। तो मुझे लगता है कि एक्शन का रिएक्शन आया है और अपनी रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन की ये लड़ाई हो रही है। इधर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, जो इस टाइम हर पाकिस्तान, मतलब जो थोड़ा भी इंटरनेशनल टॉपिक्स या इंटरनेशनल अफेयर्स में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखता है, हमारे इधर एक ये कंसेप्ट बताया जा रहा है, कंसेप्ट बनाया जा रहा है कि ईरान भी बिक चुका है इसराइल के हाथों। जो हमास के लीडर की किलिंग हुई वो भी ईरान ने करवाई, ये कहा जा रहा है कि मतलब ईरान ने पैसे लिए वो करवा दिया। फिर अभी जो हिजबुल्ला के लीडर की किलिंग हुई वो भी ईरान ने करवाई, ये बकायदा तौर पे तासुर दिया जा रहा है। ये कोई आम पाकिस्तानी नहीं, बकायदा जो हमारे उलमा हजरात हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ओपनली नहीं बात कर रहे। और सेकेंडली, इवन मैं नाजिया जी इधर ये भी चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक जो मैप है, शो दो मैप शो किए, जिसमें एक ग्रीन कलर का था, एक ब्लैक कलर का था। ग्रीन में इंडिया था और सऊदी अरेबिया था, यानी इस्लामिक कंट्री भी उसमें मौजूद था, और ब्लैक में ईरान था, और इसके अलावा इराक था, और कुछ ऐसे कंट्रीज थे। यानी इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, ईरान इराक को ये कहा गया कि ये अजाब हैं या इस तरीके से हैं, पाकिस्तान का कहीं पे जिक्र नहीं था। सबसे पहले तो इंडिया की बात करेंगे और सऊदिया की बात करेंगे कि सऊदिया भी ब्लेसिंग, इंडिया भी ब्लेसिंग, इसका मतलब इंडिया और सऊदिया ईरान इसराइल के साथ खड़े हैं। आई थिंक आप इस मैप के बारे में बात कर रहे हैं। जी डेफिनेटली डेफिनेटली, एक्चुअली नितिनयाहू जी की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूँ ठीक और है, मैं अपने ट्वीट और नितिनयाहू जी को डायरेक्ट मैं फॉलो करती हूँ ट्विटर एक्स हैंडल पर, और मैं उनकी हर स्पीचेस को रीट्वीट भी करती हूँ। हाँ बिल्कुल, नितिनयाहू जी ने दो मैप यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, मिस्टर प्रेसिडेंट और मैडम प्रेसिडेंट के सामने रखा है, और जिसमें उन्होंने कहा है यूएनजीए उंगा जिसको कहा जाता है, जिसमें एक मैप में सऊदी, इजिप्ट, स्वीडन और एशिया जिसमें भारत आता है, भारत का खास करके उन्होंने फोकस किया है, जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि ये डिस्क्राइब करता है बूम फॉर द रीजन को, ये डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल राइट्स को, ये डिस्क्राइब करता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को, ये डिस्क्राइब करता है सेक्युलरिज्म को, ये डिस्क्राइब करता है एक इंसाफ को, एक जस्टिस को। और जिसको हमने कल देखा भी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो शिया लोग हैं या जो जो मुसलमान निकलना चाहते थे नसरुल्ला हिजबुल्ला के पक्ष में, वो निकले हैं, जिनको जिनको कुछ नहीं बोला गया। लेकिन ईरान, इराक और पाकिस्तान एक कर्स है, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ईरान, इराक और पाकिस्तान एक कर्स है। और जो मैं आपको आपको मैं सिर्फ दो लाइन में डिटेल बता भी देती हूँ, ईरान में माशा अमीन के डेथ के बाद एक ऐसा सिनेरियो आया था जहां पर मस्जिदों में मर्द भी जाना बंद कर दिए थे कि आप इस तरीके से किसी के लीगल राइट को, किसी के फंडामेंटल राइट को आप हैम्पर नहीं कर सकते हैं। और अभी हालिया में जिस हिसाब से ईरान अपने आप को रिफॉर्मेशन की तरफ आगे लेकर के जा रहा है, क्या ही पता कि ईरान की सरकार खुद ही बता देगी कि कहाँ कहाँ बैठा हुआ है इसराइल को, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आओ और मारो बम खत्म करो, ये भी हो सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। आप पिछले 77-78वें साल के आजादी में हम एंटर किए और 78वें साल का जन्मदिन आपने मनाया 14 अगस्त 2024 को। आप मुझे बताइए कि भारत यहाँ है आसमान पर, आप जूते की नोक पर क्यों है, आप मुझे बता दीजिए। आपने कौन सी तरक्की की है, आपने कौन सा डेवलपमेंट किया है, आपने कौन सा एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया है, आपने कौन से सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान ने कौन से फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान ने कब फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट किया है, पाकिस्तान ने कब एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है, पाकिस्तान ने कब कब अपनी मिलिट्री और डिफेंस को आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान किसको आगे बढ़ाता है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है, बाकी उसको किसी से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। अब बहुत से लोग, मतलब मैं ओपनली कहता हूँ, नादिया जी मेरे सामने हैं, ऑनलाइन है हम दोनों, और देखने वाले भी हैं, कोई कटिंग नहीं होगी इसमें, कि मुझे यकीन माने जो इन्होंने बात की है, बड़ा दुख हुआ है। क्योंकि जो पाकिस्तान को अगर लेट्स सपोज कुछ कहा जाता है, वो डेफिनेटली मुझे कहा जाता है।
लेकिन मैं इसका जवाब क्या दूं, बहुत से लोग पाकिस्तानी मुझे मिलेंगे, ये देखो इसे बिल्कुल वैसे बड़ा यूट्यूबर बनता है, बड़ी बातें करता है, इंडिया से एक लड़की बैठी और उसने पाकिस्तान की इंसल्ट की, बोला कि पाकिस्तान तरक्की में पीछे है, पाकिस्तान आज बहुत नीचे है, ये खामोशी से बैठा था। भाई मैं क्या जवाब दूं, आप मुझे बताएं कि अगर उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया आज डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है, चांद पे जा पहुंचा है, इकॉनमी बहुत बेहतर है, दुनिया उस इंडिया की बात मान रही है, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, जो जो भी बातें इन्होंने की, मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे नो डाउट बुरा लगा है, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। ये जवाब पाकिस्तान के लीडर्स को देना चाहिए कि हाँ भाई हमने तो टेक्नोलॉजी में इतना कुछ कर लिया, हाँ भाई हमारी इकॉनमी तो इतनी बेहतर चली गई, तो तुमने फिर भी जवाब नहीं दिया, फिर मैं कसूरवार हूं? जब 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर IMF से $7 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो 2 दिन बाद अगर इंडिया से कोई बैठ के या खड़े होके या ऑनलाइन आके मुझे ये कहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत नीचे है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हो? मैं कैसे उन्हें काउंटर कर सकता हूँ? जो लोग मेरे पे गुस्सा करते हैं या मुझे ये समझते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की इंसल्ट होती है, ये खामोशी से बैठा रहता है, वो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि भाई मैं जवाब क्या दूं? आप कमेंट बॉक्स में साथ ये भी लिखा करो ना, हाँ कि तुमने आगे से ये जवाब देना था, तुमने बोलना था कि भाई पाकिस्तान इकॉनमी में इंडिया से आगे है, तुमने बताना था कि हाँ भाई इसराइल पाकिस्तान से डरता है, इंडिया तो बिल्कुल उसके आगे कुछ भी नहीं है, तुमने बताना था कि हाँ भाई पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रेड की जा रही है या कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने में, तो वो पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ कौन इंटरेस्टेड है? ये बातें आपने मुझे बताएं नीचे, मैं क्या जवाब दूं? मैं रिक्वेस्ट लास्ट में यही करना चाहूंगा कि जज्बात में आके, जज्बा बहुत है और या मतलब जी हम मुसलमान हैं, हम 10 लोगों से ज्यादा हैं, 20 लोगों से ज्यादा हैं, या हम टेक्नोलॉजी को नहीं मानते, ऐसी बातें करने की बजाय अगर हमें दुनिया में अपनी रिस्पेक्ट बनानी है तो सबसे पहले तो गलती को मानना पड़ेगा, उसके बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जिन कंट्रीज की, जिन प्राइम मिनिस्टर्स की या जिन भी नेशंस की रिस्पेक्ट है उसकी वजह क्या है, उन्होंने किया क्या है? क्या इंडिया की रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए कि जी वो सबसे बड़ी आबादी है या मोस्ट मतलब ये कह लें कि सबसे बड़ी इकॉनमी है, तीसरे पांचवें नंबर पे इकॉनमी है, या उसकी वजह यह है कि मार्केट सबसे बड़ी है इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं, अगर ये वजह होती तो शायद पाकिस्तान की दुनिया में 5वें नंबर पे रिस्पेक्ट होती, वर्थ होती, पासपोर्ट की वैल्यू 5वें नंबर पे होती, क्योंकि हम भी तो 5वें नंबर पे आबादी है, 5वें 6वें नंबर पे। वजह यह है कि उनके वहां पे डेमोक्रेसी है, वजह यह है कि उनके वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं है, वजह यह है कि उनके वहां पे सेकुलरिज्म है, कि मतलब जिसकी जो जो भी राइट है वो उसे दिया जाता है, उसके लिए वो आवाज उठा सकता है। हमें ये चीजें समझने की जरूरत है और उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। नाजिया जी लास्ट में मैं यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा, लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ भी मैसेज देना चाहें। मैसेज में यही देना चाहूंगी कि पाकिस्तान की आवाम को अब ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि समझना हालिया में चाहिए। हालिया में अभी यूनाइटेड नेशन में जिस हिसाब से नवाज शरीफ ने, जो आपका वजीर आजम है, जिसने बात किया और उसके बाद UN का मंच था, उसने तीर मारने की कोशिश की और भारत को पाकिस्तान का करारा पंच जो मिला उससे भी पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि जज्बा, जज्बे से कुछ नहीं होता है। हमारा मजहब जो है ना वो हमारे घर के अंदर है, मुसल्ले पर है, जानमाज पर है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी शिक्षा, हमारी ताकत, हमारी पोजीशन, हमारा पावर ही हमें सपोर्ट करती है और हमें इस दुनिया में शाइन और ब्राइट करने का मौका देती है। हम अंदर अपने घर के अंदर मुसल्ला बिछा करके कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इससे हमारी ताकत बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और उसको ताकत माना भी नहीं जाएगा। जब देश के नागरिक अपने आप को प्राउड इंडियन मुस्लिम कहेंगे तो उससे समझ में आता है कि हम कितने बड़े डेमोक्रेटिक और कितने बड़े सेक्युलरिज्म और कितने बड़े खूबसूरत देश में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का कहना है कि देश का हर एक नागरिक अपनी बात को आजादाना तौर से रख सकता है और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि रख रहा है, इसको ये कहते हैं भारत। चीज है और ये चीज हमें समझने की जरूरत है, अदरवाइज हम ये नारे लगाते रहेंगे। और शायद आप तो ये भी नहीं, मैं कह सकता कि हम नारे लगाते रहेंगे, क्योंकि आप तो नारा लगाने पे भी पाबंदी हमें नजर आ रही है आने वाले टाइम में।
मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की आज की डिस्कशन रही, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला नाजिया जी से। आप नाजिया इलाही खान की किन बातों से आप एग्री करते हैं, किन बातों से डिसएग्री करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह सोएब चौधरी और नाजिया इलाही खान जी के बीच में ये जो जबरदस्त डिबेट हुई है ये आपको काफी पसंद आई होगी, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी की बातों का सोएब चौधरी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।